गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान में मार्शल आर्ट के फरोग में अशरफ ताई का नुमाया किरदार रहा है, जबकि अशरफ ताई ने बांडो किक, बॉक्सिंग और कराटे के शोबों में मिसाली खिदमात सरंजाम दी हैं। इन शोबों में इनके शागिर्द मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, जबकि मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस में भी अहम किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। जबकि गवर्नर सिंह ने दूसरी जानिब जामियत रशीद के सरपरस्त आला मुफ्ती अब्दुल रहीम से मुलाकात की। इस मौके पर मदारस के किरदार, फलाही माशरे की तश्कील और मजहबी रवादारी के फरोग समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध का कहना था कि उलमाए कराम ने हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है, जबकि मजहबी हम आहंगी में उलमाए कराम की खिदमात काबिल सताइश हैं। इनका कहना था कि इस्लामी तालीमात के फरोग में मदारस का किरदार काबिल तहसीन है। जबकि इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल रहीम का कहना था कि जमीयतुर रशीद से हर बरस हजारों तुलबा तालीम मुकम्मल कर रहे हैं, जबकि इस्लामी तालीमात के फरोग से फलाही माशरा की तश्कील नागुजीर है। इसके अलावा गवर्नर सिंध से जस्टिस लाइन्स फोरम के वफद ने भी मुलाकात की। ये मुलाकात सात रुकनी वफद की सरबराही में फोरम के चेयरमैन सुहेल बेग नूरी एडवोकेट की सरबराही में की गई। इस मौके पर इंसाफ की फराहमी, वकला बरादरी के किरदार और अहमियत के हामिल दीगर उमूर पर बातचीत हुई। गवर्नर सिंह का कहना था कि इस मौके पर एक आम आदमी को इंसाफ की फराहमी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। इंसाफ की फराहमी में वकला बरादरी के इकदाम काबिल सताइश हैं, जबकि जस्टिस लाइन्स फोरम वकला के मसाइल हल करने में अहम साबित हो रहा है। नदीम सिद्दीकी, मेट्रो सेवन पाकिस्तान। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।